मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और बलवीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। क्यों रे महाराज, आज आपके आश्रम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में ठीक चिहार चला रहे हैं। क्यों नहीं सी भाई, हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। अपनी पत्नी को सुनाऊं कि राजकुमारी जी अब ठीक हो गई हैं। बलवीर जी, तुम्हारे लिए इजाजत है ये खुशी का पैगाम जाकर के अपने बल्ले पर अपने पत्नी को सुनाओ, लेकिन उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो, मैं राजमहल चल रहा हूँ। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह करेंट लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, टाइम का फोन चुका है, अभी तक वो करेंट से वापस नहीं। मुझे प्यार की जिंदगी यही सब, इतना लेट क्यों आएगा? मम्मी, आज मैं अपने दोस्तों के संग उनके घर चला गया था, इसलिए मुझसे देरी हो गई है। लेकिन पूछ कर रहे हो? मम्मी, बेटा जी, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेनानायक, तुम एक सेनानायक के बेटे, और फिर अब तुम बच्चे नहीं रहे, सियाने भी हो चुके हो, इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छे तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है।
ठीक है मम्मी, आज के बाद बगैर आपसे पूछे हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा एक बात तेरी समझ में आती है। कौन सी बात? आज काफी दिन हो चुके हैं तुम्हारे बेटी जब से ड्यूटी को गए हैं, ना तो उन्होंने फोन किया है ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला है। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। क्या मम्मी, पापा ने आज भी फोन नहीं किया है? नहीं बेटा। मम्मी हो सकता है कि कोई कारणवश उन्हें फोन करने का वक्त न मिला हो, इसलिए आज का दिन हम उनका वेट करेंगे। अगर वो फोन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम खुद फोन लगाकर पता लगाएंगे कि कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि उन्हें फोन करने का भी वक्त नहीं मिला है। माँ बेटे बहुत बात हो रखे हो। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बारे में? जी पापा जी। क्या बात कर रही थी? हम लोग यही सोच रहे थे कि आज काफी दिन गुजर गए हैं, कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि हमारे पापा जी को फोन करने का भी वक्त नहीं मिला है। कुछ ऐसी बात थी जो फोन नहीं किया और आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ जिसे सुनाकर माँ बेटी खुश हो जाओगी। कौन ऐसी खुशी का पैगाम लेकर आई यार? हम लोगों को भी होता है जो महाराज की बेटी हमेशा बीमार पड़ी रहती थी। क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई है। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी थी वो ठीक हो गई? लेकिन स्वामी जी राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई? इसी आश्रम राज के पूर्व तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी भर रहे थे। जब मैं भारत में मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रात्रि से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी बल के पास जा रहा हूं। उन लोगों के साथ पहुंचा तो वहां का नजारा देखा कि सैकड़ों की भीड़ लगी हुई थी, लोग अपनी अपनी मर्यादा सुना रहे हैं, लोग रोते हुए आते हैं और रोते हुए जा रहे हैं। ये नजारा देखकर मैं खुद दंग रह गया और यही बात दरबार पहुंचकर महाराज के सामने पेश किया और महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मंदिर पास पहुंचा दिया। माँ काली की कृपा से बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी की मृत्यु मुसीबत से निजात पा गई। ये तो बहुत खुशी की बात है। खुश होना चाहिए, पूरे आश्रम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है, लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं। लेकिन इस खुशी में यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं? बोलो क्या कहना चाहते हैं? जी क्यों ना हो,
और हमारे बेटे को लेकर आप इस साथ चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूँ और बाबा जी से अपनी बेटी के हाथ रेखाओं को दिखा कर बाबा जी से पूछूंगी मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। यानी माँ काली के दर्शन करना चाहती हूँ और बाबा से जानकारी करोगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। ये तो खुशी की बात है। तैयारी बनाओ और हम बाबा कल्याणी मां के पास चलेंगे। बेटी तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा आप लोगों की आशीर्वाद से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है जी पापा जी। बेटी अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो, जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम आसाम राज्य में रोशन है उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, मैंने भी अपने दिल के अंदर यही अरमान रखे हैं कि जिस तरह मेरे पिताजी इस मुल्क का शान के सेना अफसर हैं, उसी तरह मैं भी पढ़ लिख कर किसी मुल्क का सेना अफसर बनना चाहता हूँ और देश की रक्षा करना चाहता हूँ। शाबाश बेटी। बेटे विद्या वो शेरनी का दूध है जो पीकर जिंदगी भर दहाड़ोगे कभी दम नहीं होगा। माँ के साथ आओ।